हेलो दोस्तों, मेरा नाम जयशंकर है और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप लोग सब सही होगी, अच्छी होगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू माई चैनल। सो मैं आया हूँ इधर औरैया डिस्ट्रिक्ट, जो कि यूपी में पड़ता है, कानपुर से 90 किलोमीटर दूर। और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुहाना है। सॉरी आपको थोड़ी बैकग्राउंड नॉइज आ रही होगी, ये सब क्योंकि मैं एकदम हाईवे पे खड़ा हूँ और यहाँ से काफ़ी सारे व्हीकल्स आ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि औरैया से जब बात करते हैं तो यहाँ एक पुल आता है, पुल काफ़ी ओवर ब्रिज बढ़िया। तो कुछ ही दिनों पहले यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी और बारिश की वजह से जो यमुना जो नदी है एकदम खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, तो उसे काफ़ी फसल तबाही हुई। मैं आपको कुछ उसके बारे में दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये यमुना नदी है और पानी कहां से कहां तक भर गया है। ये पानी, ये ऊंचा इलाका है तो यहां से पानी ज़्यादा नहीं है। देख सकते हैं पानी ने कैसे गड्ढी बना दी है यहां से। अगर आप उस पार जाएंगे तो उस पार भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस पार भी वो काफ़ी निचला इलाका है तो वहां पानी अंदर काफ़ी घुस गया है, तो वहां काफ़ी खेत है तो उसकी वजह से पानी की फसलों की तबाही हुई थोड़ी बहुत। और काफ़ी सारे जो एक पौधा आता है एक जो उससे मवेशी लोग खाते हैं तो पौधे सड़ गए थे। ये यहाँ से सीढ़ी है जो यहाँ से उतरते हैं और किसी का भी डेथ होता है और किसी का भी आत्म संस्कार करते हैं तो हम लोग यहाँ करते थे, लेकिन ये पानी भर गया तो पीछे कहीं घाट बना दिया उन्होंने, नहीं तो कुछ लोग वहाँ से उधर भी अंतिम संस्कार करते हैं। सो आपने देख रखा होगा पानी किस तरह बह रहा है, काफ़ी बहाव है। चाहे आप कैमरे में देख सकते पता नहीं, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी पानी ऊपर आ गया। फिलहाल 2-3 दिनों से पानी का जो तूफान है कम हुआ है और पानी थोड़ा नीचे आया हुआ है। तो बस चलो चलते हैं, हम आपको आगे दिखाते हैं किस तरीके से फसलों की तबाही हुई और उसके बाद में जो भी वहाँ से, ठीक है। तो बहुत नीचे होगी। सो दोस्तों अब देखिए, मैं पहले उस साइड था, मैं वहाँ से अपने स्कूटी चला के यहाँ आया। तो ये काफ़ी नीचा इलाका है और पानी जहाँ तक है वो घरों तक पहुँच गया था और ये रास्ता यहाँ से काट काट के एक छोटा सा नाला बनाया नदियों के बहाव से, इस नदी के बहाव से, और पानी अंदर तक घुस गया। तो वैसे ये गर्मियों के सीज़न में ये यहाँ पानी बहुत कम रहता है, लेकिन अगस्त के बाद से बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है काफ़ी इधर, तो यहाँ से पूरा पानी भर जाता है। सो दोस्तों आपने देखा, अब मैं उस तरफ जा रहा हूँ, उस तरफ ईस्ट है तो ईस्ट में काफ़ी गांव आते हैं तो इनमें से सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब है। वैसे हालांकि सड़कें बन रही हैं, यूपी प्रशासन सड़कें बना रहा है और यहाँ से और 40 किलोमीटर जाओगे तो औरई आता है, औरई के बाद जालौन आता है, तो फिर औरई से जालौन तक का रास्ता काफ़ी अच्छा हो गया है और जालौन से औरैया तक का जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है। काफ़ी ख़राब मतलब कि मैं आपको आगे दिखाऊँगा, मेरे साथ बनते रहिए। सड़क तालाब देख सकते हैं आप। सो
सो दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊँ और बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ बनाऊँ आपके लिए, खासकर ट्रैवलिंग व्लॉग्स। ये एक मेरा चैनल का थीम है। मैं अच्छे से जगह जाऊँगा, अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाऊँगा आपके लिए, काफ़ी मेहनत करूँगा। तो थोड़ा हो सके तो सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। टोटल देन, बाय बाय।